आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं आलू मटर का चटपटा सा स्नैक जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार, शिवानी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे मटर से टी टाइम स्नैक। तो हम आलू मटर से एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो हमने एक कटोरी मटर ले लिया जिसे हमने पीस लिया है। अब इसके लिए हम एक पेस्ट तैयार करते हैं जिसके लिए हमने 5 से 6 लहसुन की कलियां ले ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च ले लिए। इसे हम जार में डाल के पीस लेंगे। हमारा अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट तैयार है। अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ। हमने पैन में 2 चम्मच के आसपास ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, थोड़ी सी हींग, 1 से 1.5 चम्मच तिल। अब इन्हें अच्छे से भून लेंगे। इन्हें भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट तैयार करा है अदरक लहसुन मिर्च का। जार में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम हरा मटर जो हमने पीस कर रखा है। मटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। मटर अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हमने लिया है 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच नमक, या हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडे होने के लिए रख देते हैं जब तक हम इसके लिए इसके ऊपर की लेयर तैयार कर लेते हैं। हमने 6 से 7 आलू को ग्रेट करके ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम काली मिर्च, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हमारा आलू का मिश्रण बन के तैयार है। अब हम इसके लिए जो हमने फिलिंग बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है, अब हम उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के तैयार कर लेते हैं। हम इस मिश्रण की छोटी छोटी सी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। इस साइज की ऐसे ही हम सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। हमारी सारी बॉल्स बन करके तैयार हैं। अब हम इसके ऊपर लेयर जो हमने आलू का मिश्रण तैयार करा है उसको लेयर बनाते हैं। हम नींबू के जितना आलू का मिश्रण लेंगे इसे फैला लेंगे। एक बॉल लेंगे और इसमें फिल कर देंगे। इसे धीरे धीरे अच्छे से बंद कर देंगे। हमारी ये बॉल्स अच्छे से बन के तैयार हो गई है। ऐसे ही हम बाकी की सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। सारे बन कर के तैयार हैं, अब चलते हैं हम इन फ्राई करने के लिए। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। हमें ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं चाहिए, हमें मीडियम गर्म ही चाहिए। अब हम इसमें ये बने हुए बॉल्स डाल देंगे। हमें ये स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे। हम इन्हें उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इनका। ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं और ये फटे भी नहीं है, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के बॉल्स भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सारे बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे बॉल्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें चलते हैं हम सर्व करने के लिए। हमारा आलू मटर का स्नैक बनके तैयार है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।